17 फीट फाउंडेशन गड्ढा के ठेकेदार चोरी कर लग मतलब ओके छोड़बे नहीं कर लग तो पुलिया ताई फिटी रही। अगर एक बार पुल बही गया या रोड टूट गया तो दोबारा तुम्हार गांव में पुल बनी ना तोरे कर खेत में पानी पहुंच। जीएन भारत की खबर पर लगी मुहर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दिया 87 लाख के पुलिये के जांच का आदेश। जेकर में मात्र मुझे है 7 फीट गढ़ा खोल के पुल बनाते जब पानी जोर से आवे यहाँ कर बाढ़ के हमरे देखिला तेते टोली और समदारी के आदमी जाने के झरिया में कैसन बाढ़ आवेला। हमने कहा था हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, हम ठोकेंगे भ्रष्टाचारियों के ताबूत पर कील। जहाँ बांध बनना है वहाँ बांध तोरे बतावा, जहाँ गढ़वाल बनना है गढ़वाल बनावा, और जब तक काम के तुम भी बंद करवा तब तक कोई समाधान नहीं। हमने कहा था हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। बरसात से पहले हम इनके कर सब कुछ टाइट करेंगे। और गरीबों का हक उन्हें दिला कर रहेंगे, हम लड़ेंगे हमेशा आपके लिए। काम के बंद करके पड़ी तब वीडियो आवे, वीडियो आप बन रहे। और सच्चाई के लिए आपकी आवाज बनकर पहुंचाएंगे आप तक सच्चाई की खबर। 17 फीट फाउंडेशन गड्ढा के ठेकेदार चोरी कर लग ओके छोड़बे नहीं कर लग। तो आगे देखते रहिए जीएन भारत का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छेड़े गई है ट्रेलर, फिल्म अभी पूरी बाकी है। तोरे मगर कई लोग टूटी बाई हावी उन्हें धक्का मारी पानी कर बहाव पूर रोड में चल। हजारों एकड़ जमीन तुरंत कर पटवे नहीं करी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कीजिए, यूट्यूब में जाइए जीएन भारत सर्च कीजिए, लाल बटन दबाकर सीधे जुड़िए जीएन भारत से ताकि मिलता रहे आपको हर खबर पर अपडेट। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बिशुनपुर के समदरी में बन रहे पुलिया निर्माण का मामला पहुंचा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पास। कांग्रेस कमेटी ने वित्त मंत्री को बताया 87 लाख में बन रहे पुलिया निर्माण में घोटाले की पूरी कहानी, पूरा सच। पुलिया निर्माण में घोटाले की कहानी सुन आग बबूला हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव। मौके पर वित्त मंत्री डॉक्टर उरांव ने जिले के उपायुक्त से दूरभाष पर बात कर दिया जांच का आदेश। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में अभियंता और ठेकेदारों की मिली भगत से लगभग 87 लाख के पुलिया निर्माण में घोटाला बरते जाने के मामले को जीएन भारत ने प्रमुखता से उठाया था, जिस खबर पर आज मुहर लग गई और उक्त पुलिया निर्माण के जांच पर निर्देश दिया गया। मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम आज रामेश्वर उरांव से मिले एवं पुलिया निर्माण में बरती जा रही घोटाले की पूरी कहानी बताया। प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष महावीर उरांव, नंदलाल महतो समेत अन्य लोगों ने वित्त मंत्री को बताया कि बिशुनपुर में किस तरह प्रकलन घोटाला करते हुए अभियंता और ठेकेदारों की गठजोड़ से निर्माण कार्य में गुणवत्ता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह सच्चाई की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को ठेकेदार के इशारे पर पुरदरी पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार कराया गया, साथ ही निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का हक किस तरह काटा जा रहा है। बैठक किए उसके बाद हम लोग यहाँ से जो अनियमितता हो रही है उसको लेकर के हम लोग चल गए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पास। उनको दिए तो वो तुरंत में एक्शन लेते हुए डीसी से बात किए और उच्च स्तरीय जांच करने के लिए टीम बनाने का और जांच करने का आदेश तुरंत में दिए। घास का काम हो रहा है, पुलिया का काम, विशेष करके पुलिया का काम हो रहा है,
पुल बन रहा है उसमें अनियमितता को देखते हुए हम लोग रामेश्वर राम के पास गए थे। समुद्री जगह जस्ट तो नाला है उसकी जगह पुलिया बना रहा है उस पर। टीम के द्वारा वित्त मंत्री को बताया गया कि पुलिया निर्माण में घोटाला और मजदूरी कटौती के बाद भी विभाग के अभियंता और श्रम अधीक्षक मौन हैं। शिकायत सुन डॉक्टर रामेश्वर उरांव गंभीर हुए और मामले को त्वरित संज्ञान लेते हुए उन्होंने दूरभाष पर उपायुक्त गुमला से बात की एवं कहा कि समदरी पुलिया निर्माण कार्य में शिकायतें आ रही हैं। इसे तुरंत जांच कराकर संबंधित ठेकेदार व दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मजदूरों का मजदूरी कटौती करने वाले ठेकेदारों पर मामला दर्ज किया जाए एवं मजदूरों को पूरी सरकारी दर से राशि देने का निर्देश डॉक्टर उरांव ने उपायुक्त को दिया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि समदरी में 87 लाख से बन रहे पुलिया निर्माण का जांच कराकर जांच रिपोर्ट उन्हें भी सौंपा जाए। इस पर उपायुक्त ने जांच कराकर उन्हें रिपोर्ट सौंपने की बात कही। इधर डॉक्टर रामेश्वर उरांव के जांच के निर्देश के बाद पुलिया निर्माण करा रहे संवेदक पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर पेपर ब्लैक लिस्टेड से लेकर कई तरह की समस्याएं संवेदक पर आ सकती हैं। डॉक्टर उरांव के जांच के निर्देश के बाद पूरे विभाग में हड़कंप देखा जा रहा है। हाँ, रोज दिन ढलाई होता है थोड़ा थोड़ा, और बिना इंजीनियर का होता है ना, उनका ट्यूब टेस्ट है ना किसी तरह का मटेरियल का टेस्ट है। इंजीनियर कब आते हैं कब चले जाते हैं गांव वाला तक को पता नहीं। लेकिन ढलाई जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है पुल निर्माण के लिए, और उसमें इंजीनियर का होना बहुत जरूरी था, उसका मार्गदर्शन जरूरी था। तो यहाँ पर सारा कुछ वो अपने तरीके से अनलीगल तरीके से कर रहे हैं। हम लोग देखे कि सीमेंट का मात्रा बहुत कम दे रहा है ये लोग, और हमको लगता है कि ये पहला बारिश में बह के चला जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।